नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सूरज, टेक फ्यूचर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये रहे मेरे पास रेडमी नोट 5 प्रो और यहाँ पे मेरे पास में MIUI का 10 वर्जन जी है और ये जो है बीटा है। और फिलहाल MIUI 10 को आप जो है किस तरीके से रूट कर सकते हो और किस तरीके से आप जो है इसमें कैमरा टू API फ्लैश कर सकते हो, ये मैं आपको बताता हूँ। कैमरा टू API ओपन कर सकते हो गूगल कैम के वर्क के लिए, जो कि आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे रूट चेकर से, मेरा फ़ोन जो है अभी फिलहाल रूटेड नहीं है और ये देखिए मैं वेरीफाई कर दे रहा हूँ। और ये जो है सॉरी रूट एक्सेस नॉट, तो यहाँ पे जो है हमें दो फाइल जिप फाइल फ्लैश करनी है, तो इसके लिए हम जो है TWRP का हेल्प लेंगे। और TWRP और बूट लोडर के लिए मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। तो चलिए हम यहाँ से चल लेते हैं रिकवरी टू रिबूट में, रिकवरी मोड में कर लेते हैं रिबूट इसको, और इसके बाद में हम यहाँ से करेंगे इसको फ्लैश मैजिस को, और साथ ही साथ हम फ्लैश कर लेंगे इसमें कैमरा टू API वाले फाइल को। कैमरा टू API ओपन करने का एक्टिवेट करने का दो मेथड है वैसे, और एक जो है बिल्ड प्रॉप में चेंज करके भी आप कर सकते हो, हालांकि वो मेथड थोड़ा सा एक बार रिबूट उसमें भी करना पड़ता है और ये थोड़ा सा सिंपल है, आप डायरेक्टली जिप फाइल में फ्लैश कर दो तो ज़्यादा सिंपल मुझे लगा, ठीक है। और वैसे मैं दूसरे वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहते हो बिल्ड प्रॉप से चेंज करना तो आप वो भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है। उसमें भी आपको बिल्ड प्रॉप में जाकर कुछ लिखना है, टाइप करना है बस, तो उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिलहाल हम जो सो आ चुके हैं TWRP रिकवरी में। अब ये देखिए TWRP का इस तरीके से आपको जो सो फ्रंट ये मिल जाता है देखने को। और यहाँ पे आपको जो सो सबसे पहले जाना है इंस्टॉल में, यहाँ पे कुछ नहीं करना और इंस्टॉल में जाना है, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कैमरा टू API वाला जिप फाइल, साथ ही साथ आपको सेलेक्ट कर लेना है मैजिस्क 16, और आपको जो सो लेटेस्ट मैजिस्क जो भी मिलता है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसके वेबसाइट का। और उसके बाद आपको डायरेक्टली इसको फ्लैश कर देना है स्वैप टू फ्लैश के लिए, ठीक है। और इसके बाद जब फ्लैश हो जाए इसके बाद में आपको कर देना है रिबूट, और आप जो है यूज कर सकते हो रूट एक्सेस का। और साथ ही साथ मैजिस्क जो है सो आपको काफ़ी ज़्यादा हाइड करने का भी देता है रूट एक्सेस, तो कई सारे ऐसे पेमेंट टाइप है जहाँ पे आप अगर रूट एक्सेस वाले फ़ोन में नहीं यूज कर सकते हो तो वो ऐप भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो आप उसको हाइड करके। हालांकि यहाँ पे जो सो मैजिस्क आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, और कुछ ऐप्स है जो कि मैजिस्क को भी पकड़ लेता है जो कि गूगल का तेज करके है, तो उसके लिए आपको अलग से मॉड्यूल्स यूज करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन जो सो हो चुका है फ्लैश पूरा, सब कुछ देख सकते हैं आप यहाँ पे, रिबूट का आ गया ऑप्शन, तो चलिए हम इसे कर लेते हैं रिबूट। और फिर या और इसके बाद हम देखते हैं इसको रूट एक्सेस मिला कि नहीं, और साथ ही साथ हमारे जो गूगल का हमने जो सो इंस्टॉल किया हुआ है वो इसमें दोबारा से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। या तो मेरा फ़ोन जो रिबूट हो चुका है और इसको मैं फटाफट से कर ले रहा हूँ या तो ये देखिए, चलिए हम फटाफट से चलते हैं दोबारा से रूट चेकर में, और या और एक बार फिर से हम करेंगे रूट एक्सेस के लिए। और इस बार जो हमारे पास में आ चुका है ऑप्शन, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया कॉन्ग्रेचुलेसन का ऑप्शन। तो MIUI 10 को आप इस तरीके से कर सकते हो रूट, और कैमरा टू API ओपन करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो फ्लैश करके। और ये देखिए हमारे कैमरा टू API भी ओपन हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए मैं एक HDR में इमेज क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ये रहा HDR ऑन। तो दोस्तों ये जैसे थोड़ा सा प्रोसेसिंग इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि मैंने इसमें जो सो सेल्फ इस तरीके से लगा रखा है कि ये काफ़ी हाई क्वालिटी में जो सो हमारा पिक्चर को ये क्लिक करे, तो इस वजह से ये ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो सो ओके यप, सो हमने जो अभी क्लिक करा है वो कहाँ गया, मे बी सेव नहीं हो पाया, ओके हाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा हमारा इमेज, और काफ़ी क्रिस्पी इमेज है ये जो सो HDR में कई सारे इमेज को लेकर के एक साथ में उसको कंबाइन करते, तो इस वजह से ये जो सो काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही साथ आप जो सो लेंस का भी यूज़ कर सकते हो गूगल लेंस का, और यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, ये जो सो आपको बता देगा कि इस पिक्चर में क्या है क्या नहीं है। तो ये देखिए कैनन के बारे में ये बता दिया, तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो गूगल कैमरे से, तो इसके लिए आपको कैमरा टू API इस तरीके से एक्टिवेट करना है।
तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट। जी हाँ, और अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए लेके आता हूँ एक नया टेक्निकल वीडियो। और दोस्तों MIUI 10 का लेटेस्ट वर्जन का एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पे ये जो 6GB वाला रैम वेरियंट मेरा फ़ोन है और यहाँ जो सो मुझे रैम दिखाया जा रहा है वो है 512 MB, समथिंग स्ट्रेंज ना या। तो इसी बात पे आप कर दीजिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। जी हाँ, और अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो दोस्तों दोबारा से बोलूँगा चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, मैं आपके लिए हर दिन आपके लेके आता हूँ एक नया टेक्निकल वीडियो। तो वंदे मातरम। My head.